नमस्कार बच्चों, मैं आपको आज एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूं जिसका सीधा संबंध है मेरे आज के विषय सेल्फ रियलाइजेशन से। एक लड़का था जो अपने आप को अपनी कॉलोनी में सबसे होशियार समझता था। वो ऐसा समझता था कि मैं ही होशियार हूं, बाकी सब पानी कम चाय है कुछ नहीं आता किसी को। वो अपने आप को ही होशियार समझता है। वो हमेशा दूसरों से ये मनवा लेता था कि वो ही सही है। उसे हमेशा दूसरों में कमियां बताने की आदत थी और उसे मजा आता था दूसरों की कमियां बताने। एक बार उसने एक नई टी शर्ट खरीदी, बहुत ही सुंदर शॉप से एक अच्छी टी शर्ट खरीदी और उसे ना अपनी सारी चीजें दिखाने का बहुत बड़ा शौक। उसे नई टी शर्ट पहनी और दिखाने के लिए वो पूरी कॉलोनी में अपने दोस्तों से मिलने लगा। कैसी है? उसका मकसद ये था कि वो सबको अपनी नई टी शर्ट दिखाना चाहता था। देखो, तुम सबसे जबरदस्त टी शर्ट पहनी है मैंने, कितनी सुपर टी शर्ट देखिए। लेकिन सभी उसकी आदतों से वाकिफ थे, जानते थे उसको बहुत अच्छे तरीके से। अब वो सबसे मिलकर कुछ ना कुछ बात करता है। अब जो भी उसे देखता उस पर हंस रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था, अरे यार मैं सबसे मिल रहा हूं और बिना बोले सब लोग मेरे मुंह पे हंस रहे हैं। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। हार कर वो घर आ गया। बहुत निराश था क्योंकि कोई भी उसे बता नहीं रहा था कि वो हंस क्यों रहा है और हंस क्यों रहे थे। उसे समझ में नहीं आया कि गलती क्या है, उसने क्या गलती की है, कुछ समझ में नहीं आया। जब उसने अपनी नई टी शर्ट उतारी घर में आकर, तो उसने देखा, उसे एहसास हुआ कि उसने टी शर्ट उल्टी पहनी हुई थी और बाहर जाके बता रहा था देखो मेरी टी शर्ट कैसी है, तो हंसेंगे ही ना लोग। वो काफी शर्मिंदा हुआ, इसलिए नहीं कि उसने टी शर्ट उल्टी पहनी थी, बल्कि ये जानकर कि उसे किसी ने ये बताना भी सही नहीं समझा कि भैया तुमने टी शर्ट उल्टी पहनी है। इसका कारण यह था, उसका दूसरों के साथ किया गया दुर्व्यवहार। उस दिन उसे यह एहसास जरूर हुआ कि वो कितना गलत था। ऐसे लोगों से पेश आता था। कहीं ये अवगुण हमारे भीतर तो नहीं है जिसका अभी तक हमें एहसास भी नहीं हुआ हो? ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। हमें जरूरत है कि हम अपने मन का हमेशा विश्लेषण करते रहें कि जो हम अपने साथियों के साथ कर रहे हैं कहीं जाने अनजाने में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है हमसे। ये हमें सोचने की जरूरत है और सोचना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें बहुत देर के बाद समझ में आता है कि हमने ना चाहकर भी किसी के साथ वो व्यवहार कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। एक कहावत है ना, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बच्चों, समय रहते इस बात का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब खुद का विश्लेषण करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो यह आदत डाल लीजिए। सेल्फ रियलाइजेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और एक देश के जाने माने कलाकार बमन ईरानी हैं। आपने उन्हें फिल्मों में देखा ही होगा, जो सालों तक होटल ताज में वेटर का काम करते रहे। हाँ,
उसके बाद उन्होंने आलू की चिप्स बनाने का काम भी शुरू किया था। वो ये काम भी सालों तक करते रहे, लेकिन उन्हें ये 40 साल की उम्र के बाद ये रियलाइज हुआ कि वो तो एक बहुत अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं। और देखिए, जब उन्होंने अपना करियर एक आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया, तो आज सालों बाद भी वो फिल्म इंडस्ट्री में जमे हुए हैं एक अच्छे एक्टर के तौर पर। तो ये कहा जा सकता है कि अक्सर हमें बहुत देर से आभास होता है कि हम क्या हो सकते हैं। हम अपने विषय में जल्दी भी जान सकते हैं, ऐसा नहीं है, और जल्दी भी समझ में आता है किसी के, लेकिन ये हो तभी सकता है जब हम अपने ज्ञान चक्षु मतलब अपनी मानसिक इंद्रियां जागृत रखें, खुद से हमेशा पूछते रहें कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही करने जा रहा हूं, और जो हो रहा है वो कितना सही है, क्या मुझे इसकी समझ है जो कर रहा हूं। ये खुद से किए गए प्रश्न हमें स्व प्रेरणा देते हैं कि हमें किस ओर बढ़ना है, यहां जाना है, यहां जाना है कि यहां जाना है, और क्या है ना।